जब तमाशा बनाया है जिंदगी ने हमें, हंसा हंसा के रुलाया है जिंदगी ने हमें। करीब आते ही अपने हुए पराए क्यों, चराग मेरी उम्मीदों के झिलमिलाए क्यों, जला जला के बुझाया है जिंदगी। हम ही लोग ज्यादा खुश हो गए थे और शायद इसीलिए भूल गए कि नैन्सी वापस भी आ सकती है। आपको तो बहुत कॉन्फिडेंस था ना अपने ऊपर कि नैन्सी मेरे कब्जे से बाहर निकल ही नहीं सकती। शिपू, तुम्हें सजा दिलाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मेरे लिए वो जायज है। अगर मल्लिका ने मुझे किडनैप किया भी होता तो मैं तुम्हें नहीं बताती अपने प्यार को। क्यों मल्लिका, तुम्हें हैरानी तो बड़ी हो रही होगी ना कि मैंने पुलिस से झूठ क्यों बोला। वो इसलिए कि मैं तुमसे एक सौदा कर सकूं। सौदा? कैसा सौदा? तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सिकंदर की जिंदगी से निकल जाना होगा। तुम्हें ऐसी जगह जाना होगा जहां सिकंदर पहुंच ही ना पाए। बोलो, हाँ या ना? What do you mean, Nancy? Okay, ठीक है, अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मुझे पुलिस को फोन। नहीं नहीं, प्लीज, पुलिस नहीं नैन्सी, प्लीज, मुझे मंजूर है, तुम जो चाहोगी मैं वो ही करूंगी। तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कमाल है मल्लिका, ये जानते हुए भी कि मेरी मेहरबानियों की मोहताज हो, मुझे से शर्त रख रही हो। ओके नैन्सी, ठीक है, शर्त ना सही, लेकिन कम से कम एक गुजारिश तो मान सकती हूँ। कैसी गुजारिश? एक बार नैन्सी, सिर्फ एक बार तुम मेरी तरफ से कोर्ट में गवाह बन जाओ। क्या? हाँ, प्लीज नैन्सी, प्लीज नैन्सी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ नैन्सी, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, प्लीज मेरी इतनी सी बात मान ले, उसके बाद तुम जो कहोगी मैं मानने को तैयार हूँ नैन्सी, प्लीज प्लीज नैन्सी, प्लीज। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, सारी कार्रवाई तो पूरी हो चुकी है, बस अब अदालत को अपना फैसला सुनाना बाकी है। लगता है आपको ज्यादा ही जल्दी में है मिस्टर खत्री, एक हाथ कोशिश हमें भी कर लेने दीजिए। ओहो योर ऑनर, अब पता नहीं किस किस चीज को झूठा बताएंगी मेरी काबिल दोस्त। जी नहीं, आज मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देने वाली। आज मैं किसी भी बात को झूठा नहीं कहूंगी, बल्कि अपनी कही हुई बात को सच साबित करूंगी। ओह, गुड फॉर चेंज, चलिए आज कुछ तो चेंज है। कुछ नहीं, पूरा का पूरा चेंज है। योर ऑनर, मैं अदालत में गवाह को पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है? थैंक यू योर ऑनर। Let's go.
आपकी गवाह? जी हाँ बिल्कुल। ये कैसे हो सकता है? अरे सब कुछ हो सकता है भाई, सब कुछ हो सकता है। ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर, ये कैसे हो सकता है? ये तो प्रोसिक्यूशन की गवाह है, अब डिफेंस काउंसिल की गवाह कैसे बन सकती है? ये तो गवाह की जेन्युइनिटी पे क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं होगा एडवोकेट खत्री, उस दिन इनकी गवाही आपका एक सच साबित करने के लिए, आज इनकी गवाही हमारा एक सच साबित करने के लिए। मिस सबा, प्लीज कम टू द पॉइंट। यस योर ऑनर। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं। योर ऑनर, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि मिस्टर सुनील सक्सेना के सिटी स्कैन की रिपोर्ट जो अदालत में पेश की गई है वो झूठी है, और उसी के बिना पर शिंपू के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बना। जैसे शिंपू को इस बात का पता चला, वो मिस्टर सुनील सक्सेना से मिलने रेस्टोरेंट पहुंचे। वहां मिस्टर सुनील सक्सेना के साथ नैंसी भी मौजूद थी, जिसने उन दोनों की बहस सामने से सुनी। मिस नैंसी, क्या आप अदालत को बता सकती है कि उन दोनों के बीच सिटी स्कैन की रिपोर्ट को लेकर क्या बातचीत हुई? जी, जब शिंपू और सुनील सर के बीच में बातें हो रही थी तब मैं भी वहीं बैठी थी, और उस समय शिंपू किसी और ही बात पर नाराज था, पर उनके बीच बात कुछ ऐसी थी। इस बार तुझे जेल जाने से पहले इतना मारूंगा, गलत सीटी स्कैन रिपोर्ट बनवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तुम अपनी लैंग्वेज ठीक करो, और दूसरा ये करता हूँ कि तेरे घर वालों को जाकर तेरी असलियत बताता हूँ। असलियत? कैसी असलियत? यही कि तूने किस तरह गलत सीटी स्कैन के रिपोर्ट के बल पर मुझ पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगवाया था। अरे सुनील, जरा सोच मेरी क्या इमेज रह जाएगी तेरे घर वालों के सामने। यानी सीटी स्कैन की रिपोर्ट झूठी होने की बात उन दोनों के बीच हुई थी ना? जी। That's all you're... No. It's not all your honor. Excuse me. Miss Nancy, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये बात अदालत में कहने के लिए तुम्हें क्या कीमत दी गई? Excuse me. जज साहब, उसी जो मैंने बातें कही थी वो भी सही थी, और आज जो मैंने बात कही वो भी सही है, और फॉर योर फाइन इन्फॉर्मेशन, ना तो मैंने उस दिन के लिए कोई कीमत ली थी और ना ही आज। तो फिर उस दिन ये बात क्यों नहीं बताई? जज साहब, वाकई मुझे उस दिन कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि एक तो ये बात इतनी पुरानी हो चुकी थी, और मेरे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं बहुत ही अपसेट थी। लेकिन मैंने बाद में बहुत ही याद करने की कोशिश की, और मुझे सब कुछ याद भी आ गया। जज साहब, सब कुछ याद आ गया। मैंने ये बात अदालत को बताना जरूरी समझा। क्यों जरूरी समझा मिस नैंसी? जिससे मैं इस केस को सॉल्व करने में मदद कर सकूं और असली कातिल को सजा दिला सकूं, चाहे वो शिंपू हो चाहे कोई और। मिस्टर खत्री, और कुछ पूछना बाकी है? अदालत इस सीटी स्कैन की रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी की जांच का आदेश देती है, अगली सुनवाई में जांच की रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत प्रोसिक्यूशन को यह आखिरी चेतावनी देती है कि आइंदा अब किसी भी चीज को आधे अधूरे में पेश न किया जाए, वरना अदालत प्रोसिक्यूशन के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।
प्रोसिक्यूशन ने सीटी स्कैन की रिपोर्ट तो जमा की, लेकिन सीटी स्कैन कहाँ है? ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है, ऐसे कैसे जांच होगी? मैं शर्मिंदा हूँ योर ऑनर, और अदालत से माफी मांगता हूँ। साथ ही यह भी वादा करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द, बल्कि कल ही सीटी स्कैन की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दूंगा। अगली सुनवाई की तारीख रिपोर्ट आने के बाद ही तय की जाएगी, मगर सीटी स्कैन जमा करने में देरी प्रोसिक्यूशन की कमजोरी और लापरवाही मानी जाएगी। यस योर ऑनर। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड टिल नेक्स्ट हियरिंग। Thank you, Nancy. Thank you so much. You're most welcome. Oh, excuse me. Sure. Hello? Kahan? Oh, okay. Bye. मैं पूछता हूँ आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम डिफेंस की गवाह बन गई? तूने बहुत गलत किया नैन्सी, ये बहुत गलत बात है, समझी तू? पर मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। अच्छा, अब तो एक दिन सक्सेना की गवाह बनेगी और दूसरे दिन शिंपू की। बढ़िया खेल चुना है तूने, ये खेल खत्म कर। इसमें खेल का क्या है सिकंदर? उस दिन जो मैंने कहा था वो सुनील का सच था, और आज जो मैंने कहा वो शिंपू का सच था। ये सच्चाई सच्चाई का खेल किसी और को समझाना, सिकंदर से उड़ने या बनने की कोशिश मत करना, समझी तू? सच कहना कोई गलत बात नहीं होती है सिकंदर। अच्छा, उस दिन तो तू साफ होकर गई थी, लेकिन आज अचानक ही तुझे गांधी जी की भक्ति कहां से सूझ गई? क्योंकि उस दिन मुझे कुछ भी याद नहीं था, और आज अचानक तेरी सारी यादें वापस आ गई। अचानक क्यों सिकंदर? उस दिन मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी कि रेस्टोरेंट में सुनील और शिंपू का झगड़ा हुआ था, और शिंपू ने सुनील को धमकी दी थी कि सिटी स्कैन के छुट्टी होने की बात वो उसके घर वालों को बता देता। क्यों बताया था या नहीं बताया था? सारी बातें तूने ही तो बताई थी रे, उसी घटना के बारे में सुनकर तो इतना बड़ा गेम प्लान किया था मैंने। सुनील के कत्ल में शिंपू को फंसाने का आइडिया आया था मुझे, शिंपू के डिफेंस को एक सबूत भी ना मिले, इसलिए सिटी स्कैन की छुट्टी रिपोर्ट बनाने वाले उस डॉक्टर अग्रवाल का क्लिनिक भिजवा कर दूसरे शहर भिजवा दिया था मैंने। इस तरह क्या देख? देख नहीं रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। क्या? सोच रहा हूँ कि ये तूने क्या कर दिया। मैंने जो किया ठीक किया। बिल्कुल ठीक नहीं किया, ऐसा करके तूने सुनील के घर वालों से दुश्मनी मोल ले ली है। उफ बेकूफ लड़की, जरा तो सोचना था ना, सुनील की कंपनी को हत्याने का हमारा सपना धरा का धरा रह जाएगा। अच्छा अच्छा, तो तुम इसलिए इतने नाराज हो? फिर तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम पर आज तक नहीं आएगी, और हमारे रिलेशन की तो हवा तक भी नहीं है उन्हें। और बात रही ऑफिस की, तो कोई दूसरी नैंसी प्लान कर देना। क्यों? और चुप, मुझे फालतू की दलील मत दे, समझी तू? तुझे क्या जरूरत थी गवाही देने की? वैसे तो शिंपू के खिलाफ भी गवाही देने की कोई जरूरत नहीं थी। बकवास बंद कर, शिंपू के लिए तेरे दिल में प्यार जाग गया था क्या? सुनील के कत्ल की सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। हाँ, जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन शिंपू को नहीं, सुनील के कातिल को, असली कातिल को। मतलब क्या तेरा? कोर्ट में अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि शिंपू ही असली कातिल, कातिल कोई और भी तो हो सकता है। लगता है ये भी मल्लिका के ट्रैक पर दौड़ना चाह रही है, इसे शिंपू को बेकसूर साबित करने की पड़ी है, यानी मुझे फंसाने की। कमबख्त दिमाग चलाने लगी है, लेकिन अगर अपनी जान बचानी है तो मुझे अपना दिमाग चलाने की जरूरत है। बहुत अच्छा किया जो डर के मारे मैंने सिटी स्कैन रिपोर्ट पहले ही जला डाला। पापा, क्या हुआ, मिली सिटी स्कैन की फाइल? नहीं पापा, वो नहीं मिली। नहीं मिली मतलब? ओफ, ओ अनुराधा,
इसी लापरवाही के लिए मैंने पहले भी तुम्हें और सुनील को समझाया था। उस वक्त भी यही फाइल नहीं मिल रही थी, याद है ना? समझ में नहीं आता है, इतनी इतनी इंपॉर्टेंट चीजें संभाल कर रखना चाहिए ना पापा। संभाल के तो रखी थी लेकिन। तो ठीक है, जहां संभाल कर रखा है जाकर ढूंढो वही, जाओ। जी। सीटी स्कैन की रिपोर्ट तो हर हाल में चाहिए मैडम। खत्री साहब कहते हैं कि कोर्ट ने इस मुद्दे को अहमियत दे दी है, ऐसे में हम कोई ढील नहीं कर सकते। और यदि कोर्ट में हमने ये सबूत पेश ना किया तो हमारा केस कमजोर पड़ सकता है। पर वकील साहब, उस पुराने अटेम्प्ट टू मर्डर के केस को इस केस से जोड़ने की क्या जरूरत थी आपको? शायद आप भूल रही हैं मैडम, उसी केस के आधार पर शिंपू को पुलिस ने हिरासत में लिया था। सॉरी, मैं जरा देर से आया। वो क्या है कि नैन्सी की खबर लेना बहुत जरूरी था। बड़ी बेवकूफ लड़की है वो, इस तरह गवाही देने की क्या जरूरत थी उसे? लेकिन मैंने भी ऐसी फटकार लगाई कि याद रखेगी। कोई सीरियस मैटर पर बात हो रही है क्या? नहीं, वो सीटी स्कैन की रिपोर्ट नहीं मिल रही है। जाओ अनु, प्लीज जाओ ढूंढो उस फाइल को, कहां रखा है सीटी स्कैन तुमने? जी पापा। अगर उसे सीटी स्कैन की रिपोर्ट मिल गई तो उसके बेसिस पर ये रिपोर्ट छोटी साबित हो जाएगी, और अगर ये हो गया तो सुनील का केस कमजोर होना और शिंपू का केस मजबूत होना तय है। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हे भगवान, अनुराधा को फाइल। सिकंदर जी, तुम्हें क्या लगता है सिकंदर, ये नैन्सी ने ऐसा क्यों किया? ये तो उसी को पता होगा कि वजह क्या है। जो भी हो, ऐसा कहकर उसने सुनील पर इल्जाम ही लगाया है, क्या मिलेगा उसको ये सब करके? जी, क्या मैं बाथरूम यूज कर सकता हूँ? हाँ चलिए। मैं नहीं, मुझे मालूम है। माँ, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? शिंपू को फंसाने के लिए हमने जो फंदा बनाया था, कहीं वही शिंपू को सुनील के कत्ल के फंदे से ना बचा ले। माना शिंपू के साथ हम लोगों ने आज तक जो भी किया सब गलत किया, लेकिन माँ उसके बदले में हमें ऐसी सजा मत दो। पहले हमने जो भी किया उससे शिंपू के सुनील के कत्ल का गुनाह तो कम नहीं होता ना? तूने अपने हिस्से के आंसू बहा लिए हैं, अब तो उसके हिस्से के आंसू गिन। वो सीटी स्कैन वाली प्रॉब्लम का क्या होगा? उसकी फिक्र तू मत कर माँ, तेरा बेटा हर कुछ अपने हिसाब से मैनेज करने की काबिलियत रखता है, हर कुछ। करीब आते ही अपने हुए परा।